हेलो दोस्तों, मैं हूं पिंकी और आपका स्वागत है फिर से मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है ये ब्लॉग पे बेस्ड नहीं है, ये एक मूवमेंट पे बेस्ड है जिसको कि हम सपोर्ट कर रहे हैं। और हम भी एक स्टूडेंट हैं और आप भी अगर स्टूडेंट हैं तो आप भी इसको सपोर्ट कीजिए और इसे फुल वॉच कीजिए। और हम आज के ये वीडियो में आपको बताएंगे कि हम लोग मतलब स्टूडेंट को किस तरह से चीट किया जा रहा है, ये चीज़ हम बताएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों, आज का ये मोमेंट ई कल्याण रीओपन करने पर है जिसको कि आपको पता है, जैसे कि बीएड का जो 2020 वाला सेशन वाला एडमिशन बीएड वाला वो अभी तक चल ही रहा है। और जो ई पोर्टल ये मतलब ई कल्याण वाला पोर्टल है ना, जो 10 फरवरी 2021 को ही बंद कर दिया गया, जिसमें कि मतलब होता है फर्स्ट काउंसलिंग के स्टूडेंट ही उसमें कुछ परसेंट वो लोग फिल कर पाए हैं मतलब पोर्टल वाला फॉर्म को, बाकी लोग का सबका छूट गया है। तो अभी तक एडमिशन तो चल ही रहा है, अभी तक भी सीट फुल नहीं है। तो इसीलिए मतलब बहुत सारे स्टूडेंट 15 को लोग गए भी थे, 15 जून को गए थे रांची, क्योंकि हम उन लोग को भी सपोर्ट कर रहे हैं और वो लोग इस तरह का मांग भी कर रहे हैं। मतलब हम लोग सबको ही मांग कर रहे हैं कि हम लोग का पोर्टल खुलना चाहिए, पर ये सरकार हम लोग को बोल रही है कि मतलब वहाँ पर सीएम से भी भेंट किया गया और वो कह रही है कि मतलब हम लोग 26 तक हम लोग को मतलब नोटिस जारी कर दिया जाएगा। पर वो चीज़ हुआ भी तो मतलब इस तरीके से हुआ ना कि हम लोग के साथ बहुत बड़ा धोखा टाइप से, कि जैसे 2020 का नहीं ओपन करके 2021 का ओपन कर दिया गया। तो जैसे कि आप लोग समझ रहे हैं कि 2020 का तो एडमिशन चल रहा है और 21 का जो एडमिशन होगा बीएड वालों का वो अभी मतलब बोला जा रहा है कि अक्टूबर मंथ से, और वो अभी मतलब 26 से ओपन कर दिया गया। तो वो किस लिए ओपन किया गया, मतलब कोई स्टूडेंट तो भर नहीं पाएंगे, तो किस लिए ओपन किया गया भगवान जाने वो किन स्टूडेंट लोग के लिए, वो लोग एडमिशन के पहले ही हो सकते हैं क्लोज हो जाए, तो कौन भरेगा वो वाला पता नहीं। तो वही, और आप लोग को भी ये चीज़ पता होगा कि जैसे कि होता है ना कि बीएड का मतलब फ़ीस कितना ज़्यादा अमाउंट है, ये लगभग गवर्नमेंट कॉलेज वाला में लगता है कि 1,20,000 एसटीएससी के लिए और जनरल के लिए 1,40,000 तक लगता है, और प्राइवेट में तो कुछ परसेंट ज़्यादा ही लग रहा था, जैसे कि 1,20,000 से 80,000 तक के बीच में लगता है। तो इतना बड़ा अमाउंट और ऊपर से ये लॉकडाउन वाला काम मतलब हुआ है, उसमें भी बहुत तरह से मतलब प्रॉब्लम हुआ है। तो और बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि मतलब हम लोग भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो ये लोग मतलब हम लोग को ये चीज़ सोचना होता है कि चलो कम से कम हम लोग का स्कॉलरशिप से हेल्प हो जाएगा, पर वो सरकार दे ही नहीं रही है, तो हम लोग कैसे मतलब क्या करेंगे। पैसा का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जा रहा है और बहुतों का होता है ना कि मतलब पढ़ाई भी रुक जाएगा जैसा लगता है, ये इतना बड़ा अमाउंट हम लोग कैसे जुगाड़ करें, और जो चीज़ हम लोग का हक के लिए है वो चीज़ हम लोग को सरकार नहीं दे रही है। तो और आज जो 26 तारीख है, आज 26 तारीख है जून का, तो वही 26 को आज फिर से हम लोग के सहयोगी लोग गए हैं वहाँ पे रांची में कि प्रदर्शन करने के लिए, कि मतलब हम लोग का डिमांड पूरा होना चाहिए बोल करके। तो इसी मतलब ये चीज़ हम आपको दिखा देना चाहते हैं कि मतलब दिखाएंगे, हम तो जा नहीं पाए हैं पर वो लोग गए हैं, तो हम वहाँ पे दिखाएंगे वहाँ के कुछ क्लिप्स कि वहाँ क्या क्या प्रदर्शन हो रहा है। तो
जिंदाबाद। जो हमसे टकराएगा जो चोर हो जाएगा। जो हमसे टकराएगा जो चोर हो जाएगा। इंकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। ना किसी से भीख मांगते ना किसी से भीख मांगते। जितने भी छात्र स्टूडेंट है उनका एक छात्र अधिकार मंच की गठन हुई है और छात्र अधिकार मंच की ओर से हम सभी हैं जो कि हम लोग कि जो सत्र 20-21 है कल्याण पोर्टल खोला जाए। हम लोग लास्ट 15 जुलाई को भी यहाँ पर आए थे लेकिन सरकार जो है ने कहा कि 10-15 दिनों में वो हमारी मांग पूरी करेंगे लेकिन उनकी जो धूर्तता बोलिए बच्चों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं साजिश कर रहे हैं। वे क्या किए कि कल्याण पोर्टल खोले लेकिन 21-22 का वो सत्र जो कि वजूद में ही नहीं है UGC की गाइडलाइन है 31 अगस्त तक जो है जो लास्ट सेमेस्टर है UGC सेमेस्टर लास्ट सेमेस्टर उनका सत्र कंप्लीट होगा और अक्टूबर से नया सत्र स्टार्ट होगा। जो सत्र अक्टूबर से स्टार्ट होना है उसका पोर्टल खोल रही है तो कौन सारे बच्चे भरेंगे ये वाले पोर्टल के सरकार को जवाब देना चाहिए। मतलब ये है कि अगर बच्चे हड़बड़ी में क्योंकि वे बोझ तले दबे हुए हैं वे साजिश का जो शिकार हुए हैं एक तो वो जो है कर्ज लेकर के एडमिशन ये BEd जैसे पाठ्यक्रम है अब उनके पास चारा नहीं है कॉलेज से दिग्भ्रमित किया जा रहा है बाई चांस वो भर देते हैं तो वो कौन सा एडमिशन रिसिप्ट दिखाइए वो कौन सा मार्कशीट दिखाएंगे। इस तरीके से सरकार जो बच्चों को साजिश करी है बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करी है और एकदम कोशिश करी है कि बच्चे जो आगे उच्च शिक्षा नहीं ले पाए। और बच्चे प्रभावित हैं लगभग पूरे राज्य ये 4000 प्लस जो हैं बच्चे जो कि नहीं भर पाए क्योंकि 10 फरवरी के बाद पोर्टल खुला नहीं था और अब जो खुला है वो 21-22 के लिए ये SC ABC जो कि छात्र हैं जो उस मैट्रिक के ऑफ बच्चे यहाँ पर हैं हायर एजुकेशन जो लेते हैं तो उनके लिए ये जो है है। और मैं बता दूँ जो BEd जैसे पाठ्यक्रम है इसका फीस बहुत ज़्यादा होता है और करीब जो है अगर कहेंगे एक साल का उनको 40-45 हज़ार का जो है लाभ होता है इस छात्र में। ये छोटी अमाउंट नहीं है क्योंकि उनका फीस स्ट्रक्चर भी जो है 1,20,000 से ज़्यादा है। इतना बड़ा अमाउंट जिसके भरोसे जो वो एडमिशन लिया था वो अब नहीं मिलने वाला और सरकार एक साल का नहीं दोनों साल का जो साजिश कर दी कि अब जो है उनको 21-22 और 20-21 का तो खोल दिया। और एक बात मैं बताऊँ सरकार इतनी चालाक है अभी जो नया पोर्टल खोली है उसमें नोटिस में लिखी है कि अगर सरकार के पास बजट खत्म हो जाता है छात्रवृत्ति का तो सरकार जिम्मेदार नहीं होगी। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं मतलब इसमें भी लॉटरी सिस्टम आप कर दिए हैं यानी कि आप जो है जो राउंड फर्स्ट एंड गेट फर्स्ट यानी कि जो पहले आएंगे उसको पहले देंगे बात बाकी तो आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मतलब सरकार ये तो कैसे कर सकती है मतलब इतने तमाम सारे जो है डिफेंसों या फिर दूसरे जगह पे आप बजट में आप पैसे आवंटित कर रहे हैं लेकिन ये जो बच्चों को छात्रवृत्ति देनी है ये सरकार जो जम्मू की सरकार है ये जो मूलवासी आदिवासी जो वंचित है दलित है उनकी बात करती है उनके जो हक के अधिकार की रक्षा की बात करती है लेकिन देखिए जो क्या कर रही है वैसे ही काम कर रही है जैसे कि पिछली रघुवर दास की सरकार कर रही थी यानी कि ये जो है सब एक ही सिक्के के पहलू है और ये सिर्फ और सिर्फ जो है जनता को लूटना जानती है जनता को दिग्भ्रमित करना चाहती है। पोर्टल ओपन ना करके 21-22 के लिए किया गया और 21-22 के लिए किया गया लेकिन 21-22 का अभी तक एडमिशन हुआ भी नहीं है किसी कॉलेज में और उसके लिए आवेदन पोर्टल को चालू कर रही है सरकार। ये सरकार की नाकामी दिखाने के लिए हम लोग आए हैं और हम लोगों को अभी तक 2020-21 का फॉर्म भी नहीं भर पाए तो हम लोग जब भर ही नहीं पाएंगे तो हम लोग थोड़ा सी मिलेगी कहाँ आगे का क्या रणनीति है और आमरण अनशन की ओर होगा और जब तक हम लोग की मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग यहीं पे राजभवन में चाहे पानी पड़े चाहे बरसात पड़े चाहे पत्थर पड़े हम लोग यहीं बैठे रहेंगे और जब तक ये हेमंत सरकार हम लोग की मांगें पूरी नहीं करेगी तब तक हम लोग सभी BEd छात्र इस आंदोलन में जुटे रहेंगे और आमरण अनशन में बैठे रहेंगे। तो दोस्तों ये मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सरकार तक हमारी आवाज़ पहुँच सके कि हम 21वीं सदी के स्टूडेंट्स में कितना दम है और हम छात्र यूनियन में कितना दम है और सरकार ऐसी हमें चीज नहीं कर सकती क्योंकि हम लोग ये अपने
हज के लिए मांग रहे हैं, ना कि हम लोग सरकार से अपने उनके पॉकेट से तो नहीं मांग रहे हैं। और इस छात्रवृत्ति से कितना सारे मतलब छात्रों का भविष्य अंधेड़ हो जाएगा और इसी के मतलब इसी पे डिपेंड हो गया। हम लोग सोचते हैं कि कुछ परसेंट वहाँ से मिलेगा तो हम लोग कुछ परसेंट ऐड करके हम लोग फीस भरेंगे, इससे कितने सारे भविष्य बर्बाद हो जाएंगे। तो ये भविष्य को बर्बाद होने से रोकने के लिए आप भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो सब तक पहुँच सके और हमें अपना हक मिल सके। और ये जो मोमेंट है इसे सफल बनाने के लिए आप भी इसमें हेल्प कीजिए। और ये वाला वीडियो बस हम ऐसे ही मतलब मोटिवेशनल के लिए बना रहे हैं, नेक्स्ट हम ब्लॉग बनाएंगे उसके लिए तैयारी जारी है। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।